बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमारे एक्सपर्ट पैनल ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है. सबसे पहले हमारे साथ हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सर? मेरे अल्लाह का बहुत एहसान. ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आपका बहुत इंतजार होता है सबको. चलिए आप अब से वादा कि हर महीने जब यहाँ आऊंगा तो हाजिरी दूंगा. प्लीज हम आपको नहीं छोड़ेंगे. वैसे भी हमें पता होता है आप कहाँ पर हैं, फौरन बुला लेते हैं. थैंक यू. हमारे साथ महरीन नरगिस, हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत इंटरेस्टिंग. बल्कि वही जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि वो जो मिथ्स हैं और जो कंसेप्शंस हैं ना लोगों की, कि इस वजह से होता है और उस वजह से होता है, तो आई थिंक लोगों के माइंड खोलने के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है. वेरी ट्रू. और आज जिनसे हमने सबसे ज्यादा गिले करने हैं है ना, जिनको हमने अपना जो है ना टारगेट बनाना है, सारे तोपों के रुख जिनकी तरफ है, डॉक्टर फौजिया खान. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक ठाक. आर यू कंफर्टेबल विद योर पोजीशन टुडे? हां डेफिनेटली. अच्छा, आई वांट टू सी द डिफरेंस, क्योंकि मेरे पास पहले भी जो है डॉक्टर एक आई थी, डॉक्टर रिजवाना, तो उन्होंने तो ऐसे खरे खरे जवाब दिए. चौधरी, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, और आई एम श्योर उन्होंने सबको लाजवाब किया. उन्होंने फिर सही समझा दिया था कि क्यों जो है ना हम ऐसा करते. बट टुडे हम लोगों का जो टॉपिक है कि आजकल ये एक बहुत कॉमन जो है वो हो गया है कॉन्सेप्ट, ट्रेंड, कि अब आप जाते हैं तो आपको यूजली जो है डिलीवरी वो सिजेरियन ही होती है, बड़ा ऑपरेशन कह लें उसको, या जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती. और यूजुअली जो है जो एक इल्ज़ाम है आप पे वो ये है कि डॉक्टर्स अपना टाइम बचाने के लिए या पैसे बनाने के लिए जो है वो पेशेंट्स को जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती यही रेकमेंड करते हैं कि आप जो है वो सिजेरियन ही करवाइए. और उससे फिर पता नहीं पेशेंट्स को कितनी मतलब आगे तकलीफ़ात जो है झेलनी पड़ती हैं, और वो इतनी मुश्किल से जो है ज़ख्म ठीक होते हैं, और वो कंसीव भी ज़्यादा फिर नहीं कर सकते. तो सबसे पहले वाली बात कि ये जो है कि उनके पास ऑप्शन नहीं होती पेशेंट के ऊपर, ये डाल दिया जाता है कि आपका सिजेरियन ही होगा, इज दैट ट्रू? देखें नहीं, ये कंडीशनल होती है चीज़, और सिचुएशनल मतलब डिपेंड करता है कि उस वक्त इंडिकेशन है या नहीं है. मैं आपकी बात से कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करूँगी. ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फॉर टाइम सेविंग एंड फॉर मनी मेकिंग ये प्रोसीजर्स करते हैं. अच्छा. लेकिन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में या टीचिंग हॉस्पिटल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर इज़ ऑलवेज एन इंडिकेशन, चाहे वो मटर्नल माँ की वजह से कर रहे हों या फीटल बच्चे की वजह से कर रहे हों. हाँ, प्राइवेट सेटअप में आप कह सकती हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं, वो शायद हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम जो है ना, वो एक पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन गैप है. डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाता पेशेंट को कि मैं सिजेरियन क्यों करने लगा हूँ या क्यों करना चाहता हूँ. तो पेशेंट को ये इंप्रेशन मिलता है कि शायद डॉक्टर बहुत जल्दी में है, या वो पैसे बचाना चाह रहा है, पैसे मतलब खर्च करवाना चाह रहा है, उसकी जो है फीस ज़्यादा बन जाएगी, तो इसलिए उसने हमें सिजेरियन का कह दिया. लेकिन वो बहुत कम है. मैं आपको मजे की बात बताऊं, पेशेंट्स ऑन सोशल ग्राउंड्स खुद रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जी हमने दर्दें नहीं लेनी, आप हमारी जो है ना हमारा ऑपरेशन कर दें. बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो ड्यूरिंग लेबर औरतें बाकायदा चीख रही होती हैं कि डॉक्टर साहब आप बस मेरा बड़ा ऑपरेशन कर दें, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं. तो ये चीजें बहुत वेरी करती हैं. बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो फॉर टाइम सेविंग या फॉर मनी मेकिंग ये प्रोसीजर्स कंडक्ट करते हैं. ठीक. अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ये बड़ी अजीब से, पहले तो मतलब ये होता था कि नॉर्मल ही बच्चे होते थे, और अगर किसी का सिजेरियन हो जाए तो हम सोचते पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हुई होगी, दैट दे हैड टू गो टू द टुवर्ड्स द ऑपरेशन. तो अब जो है ऐसा नहीं है. दूसरा एक जो मसला होता है कि जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल आपके साथ मेरी एफिलिएशन है, ठीक है, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मैं आप ही के पास आती हूँ, आप ही से पूछती हूँ क्या है कैसे है, उसके बाद ऑन द डे ऑफ द डिलीवरी मुझे आप नहीं मिल रही. हाँ, ये एक इस पे फिर वो लोग बहुत मतलब शोर मचाते हैं ना. हाँ. मतलब दिस इज द डॉक्टर दैट वी वेंट टू, और वो क्यों नहीं है यहाँ पे. देखिए, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे तो वैसे ही रोटेशन हो रही होती है, डिफरेंट रेजिडेंट्स होते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार्स होते हैं, वो एक पूरा एक सर्कल है जिसके थ्रू अपना गुजर रहे होते हैं पेशेंट्स. लेकिन जब आप प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को जरूर कन्वे करे कि एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी देर आर चांसेस कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी. तो अगर वो ये नहीं कह रही, या देखें डॉक्टर भी इंसान है,
इमरजेंसी उसको भी हो सकती है, हो सकता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पे उसको उसके घर में कोई फौतगी हो गई है या घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, वो बेचारी नहीं पहुंच पाई है, या वो किसी और पेशेंट के साथ है। सबसे बड़ा गिला ये होता है कि उनके साथ हमने इतनी फीस भरी इन डॉक्टर की, एग्जैक्टली यू नो, और ये हमारे पास क्यों नहीं है। हाँ, तो वो उस चक्कर में भी ये नहीं होता कि ठीक है फिर मैं आपके भी पहले सिजेरियन कर दूं, उनका भी कर दूं, उनका भी कर दूं, मैं सबका खुद कर रही हूं। वो एक वक्त में एक बंदे का ही कर सकती है, लेकिन अगर एक वक्त में दो तीन इमरजेंसीज आ गई, इसको हम ट्रियाज कहते हैं कि जी हमने देखना है कि किसको इस वक्त फौरी तौर पर जरूरत है तो हम उसको पहले करेंगे। दूसरा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा देर डिले भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, तो मैं अपने किसी कोलीग को कह दूंगी कि यार तुम काइंडली इसको टेक ओवर कर लो। निग्लेक्ट, कोई भी पेशेंट, कोई भी डॉक्टर निग्लेक्ट नहीं करता पेशेंट को, मतलब मैं नहीं मानूंगी इस चीज को कि जी डॉक्टर ने जानबूझ के डिले किया। जो पेरिफ्रीज हैं हमारे, वहां पे हो सकता है ऐसा होता हो, वहां पे तो खैर डॉक्टर्स ही नहीं होते, वहां पे एलएचवीज या दूसरी भी सिजेरियन कर रही होती है। अच्छा, ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि कुछ डॉक्टर्स सिजेरियन नहीं कर रहे होते, वो ओटी टेक्नीशियंस होते हैं या एलएचवीज होती हैं जो डॉक्टर्स बनी होती हैं या स्टाफ नर्स। Yes, तो इतना this is so, this is a crime, this is but a this crime is what is happening. Really? बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां लगने का, इन्फेक्शन होने का खतरा आपको ऑपरेशन थिएटर में होता है। बिल्कुल, तो वो अगर एलएचवीज और इनको तो वो प्रोटोकॉल से नहीं पता कि कितना सफाई और क्या आपने यूज करना है और कैसे जो है। सो इज दैट्स वेरी डेंजरस दिस इज, लेकिन अब ये तो खैर प्राइमरी सेकेंडरी, हमारे पार्लर में आजकल तो हमारे पार्लर में बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लग रहे हैं। तो मतलब यू नो हम लोगों ने ना 2-in-1 हर जगह कर दिया कि अच्छा मेकअप से पहले आपको इंजेक्शन लगवाना है वो भी मैं लगा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। मतलब वी हैड अ डॉक्टर हियर ऑन द शोर, वो मुझे बता रहे थे कि मेरे पास एक खातून आई जिनको यहाँ पर ना ऐसे दो कोन्स निकले हुए थे, तो इंस्टेड ऑफ, वो भी इतना नाजुक ये बोटॉक्स होता है जो आपको यहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि आपकी कोई भी नर्व जो है नहीं, अगर आपको एनाटमी ही नहीं पता और आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया, और उन्होंने बोटॉक्स की जगह, मतलब उनको फर्क भी नहीं पता कि फिलर्स और बोटॉक्स में क्या फर्क है, वो यहाँ फिलर्स डाले हुए, तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे कुछ डाल रहे हैं तो वो यहाँ से ना दो तिकोने उनकी निकली है, कैन यू इमेजिन। लेकिन इसमें देखे ना, पेशेंट का भी कसूर है, उसको नहीं पता वो किसके पास जा रहा है। अब हमारे यहाँ एक तो जाहिर है गुर्बत भी बहुत है, लोग पैसे इतने खर्च नहीं कर पाते, शौक, हाँ डेफिनेटली शौक, आई एम सॉरी, इसको गुर्बत का लफ्ज नहीं दीजिए, क्योंकि जो बोटॉक्स लगवाने के लिए जा रही है वो गरीब, वो गरीब नहीं, हाँ नहीं, मैं खैर यू आर राइट, मैं आप उसे अकल की गरीब कह सकते हैं, अकल की गरीब भी कह सकते हैं, कंजूस भी कह सकते हैं, और वो जो फजूल में पैसे बचाने वाले नहीं होते, वो जो इतने बड़े महल में रहते हैं लेकिन जब दही लेकर वो आता है तो कहते हैं ये तो 5 रुपए ज्यादा हो गया आज। मैं लेकिन आपको ये बताऊं कि आजकल एस्थेटिक्स का इतना ज्यादा रिवाज वो हो गया है कि खाने को बेशक पैसे ना हो, लेकिन ख्वातीन अपने शोहरों को इस चीज पे बहुत फोर्स कर रही होती हैं कि नहीं मैंने जाना है और मैंने ये करवाना है, एंड आई हैव सीन सच पेशेंट्स। अच्छा, बिल्कुल, उनको बहुत ज्यादा ही होता है, प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, बिल्कुल प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, वो चाहे कर्जा लेके अपना करवा रही हो। मेरे पास इसी तरह एक पेशेंट मतलब थी, तो वो मेरी गायनी की पेशेंट, मैं ये बात सुनना, सॉरी एक ब्रेक का टाइम, छोटी सी ब्रेक का टाइम ले, वापस आगे इधर से कंटिन्यू करते। और अच्छा, उस जुल्म की ही एक दास्तान लिए हम आज फिर बैठे हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती, सर बताइए। अच्छा देखिए, मेरा जो तजिया है, मैं अर्ज करता हूँ, एक्सपर्ट लोग सामने बैठे हैं, असल में हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन पहले जन्म से, ठीक है, एक तो ये कि प्यूबर्टी कब आनी चाहिए, कब होनी चाहिए, नॉर्मल क्या थी, हमने हार्मोनल फूड्स दे देकर, और खास तौर से उसके पीछे चिकन का नाम बड़ा बदनाम है, ये तमाम चीजें देकर के हमने बहुत सारे अपने माशरती अकदार को तब्दील कर दिया। बिल्कुल, अब 6th-7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अगर इन तमाम चीजों को फेस कर रही है और उससे सही ट्रेनिंग देने वाले लोग भी मौजूद नहीं है, बाकी है इन तमाम चीजों में जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है वो माँ है। बिल्कुल, और माँ उस वक्त शायद अपनी माँ की डिपेंडेंट होती है, तो वो बहुत सारी चीजों को सही तौर पर डील नहीं कर पाती, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि दूसरा जुल्म जो है वो ये है कि वो बच्ची अपनी मिस मैनेजमेंट के, जो हार्मोनल मिस मैनेजमेंट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जब कहीं जाती है तो उससे आर्टिफिशियल हार्मोन खाने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे, और इसमें मैं किसी एक को इल्जाम नहीं दे रहा, मुमकिन है कि वो तमाम लोग हो जो क्वैक्स हों,
बिल्कुल वो उन तमाम चीजों को ईज आउट करने के लिए कहते हैं, ठीक है जी आप ये 21 दिन गोलियां खा लो, 5 दिन छोड़ दो, फिर उसके बाद शुरू कर दो। तो बहुत सारे लोग उस पर लाने के बाद आर्टिफिशियल हार्मोन डिपेंडेंट होने के बाद फिर वो पीसीओडी और पीसीओएस जरूर जाते हैं।